नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल इट्स सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग होते हैं जो अपनी पुरानी चीज़ों से या जो भी मतलब उनके पास चीज़ें हो, जैसे कुछ लोग रेडियो से, कुछ लोग पुराने गानों से ऑब्सेस्ड होते हैं। उन्हें लगता है कि यार जो नई चीज़ें आई हैं ये गलत हैं, पुरानी चीज़ें अच्छी हैं। सो मैं भी कुछ अपनी कार से उसी तरीके से ऑब्सेस्ड हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पांच ऐसी चीज़ें जो आपको नई वाली जो 2020 की टियागो है उसमें देखने को नहीं मिलती है, और वो चीज़ें पुरानी टियागो में थी। ये मेरे पास जो गाड़ी देख रहे हैं आप, ये 2019 टाटा टियागो XZ है, और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो अब आपको नई टियागो में देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन इस चीज़ को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कोई भी गाड़ी कभी परफेक्ट नहीं होती। कोई सी भी गाड़ी ऐसी नहीं है जिसमें आपको अपनी आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें देखने को मिल जाए। सो दोस्तों, ये जो पांच चीज़ें हैं ये मैंने खुद आइडेंटिफाई करी हैं, मतलब कि मेरे पास कोई नई टियागो तो है नहीं और अपना चैनल इतना बड़ा भी नहीं है कि कोई अपने को गाड़ी ला के दे स्पॉन्सरशिप के लिए या कुछ करके दे कि भाई देखो साइड बाय साइड। लेकिन मैंने यूट्यूब पर जितनी वीडियो देखी है, मैंने शोरूम पर जाके गाड़ी को देखा है, उससे मैं अपने खुद के विवेक से मैंने ये चीज़ें आइडेंटिफाई करी है। तो सबसे पहले हम एक्सटीरियर की बात करेंगे कि एक्सटीरियर में ऐसे कौन से चेंज हैं, और उसके बाद हम इंटीरियर की बात कर लेंगे। कुल मिला के पाँच चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप अगर देखें सामने का फ्रंट डिज़ाइन, तो नई टियागो में आपको पूरी तरीके से आपका जो बोनट है या उसका फ्रंट बम्पर है पूरा चेंज देखने को मिलेगा। सो वो तो काफ़ी अच्छा लुक है जो कि नई टियागो में देखने को मिल जाता है। लेकिन जो मैं आपको चेंज बताने जा रहा हूँ वो है गाड़ी की हेडलाइट्स में। आपको पता होगा कि आजकल हेलोजन हेडलाइट्स का ज़माना है, और मतलब हेलोजन हेडलैम्प दूर से देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे और वो लगते हैं क्रिस्पी। और बाकी अगर कोई सामने से आपकी गाड़ी वगैरह आ रही हो ना, तो हेलोजन हेडलैम्प की जो लाइट है वो आँखों में चुभती नहीं है। सो पुरानी टियागो के टॉप वेरिएंट XZ प्लस में आपको हेलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते थे, जो कि नई टियागो के किसी भी वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलते। सो आपको इस चीज़ से नई वाली टियागो के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और जो पुरानी टियागो में काफ़ी अच्छी थी। अगली चीज़, यदि मैं फ्रंट डिज़ाइन में बात करूँ कि पुरानी वाली टियागो में आपको जो फोग लैम्प देखने को मिल जाते थे उसके आगे कुछ इस तरीके का मतलब बेहतरीन क्रोम वाला जो एलिमेंट है वो देखने को मिल जाता था, और ये जो सामने का बम्पर है काफ़ी ज़्यादा एक सिंपलिस्टिक सा लुक देता था। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो टियागो ऐसी गाड़ी है कि अपने एक काफ़ी ज़्यादा सिंपल लुक के कारण बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। इसका लुक इतना ज़्यादा सिंपल लगता था कि मतलब सभी कैटेगरी के लोगों को ये गाड़ी बहुत भाती थी। लेकिन आप देखेंगे आप, तो आपको जो फ्रंट का बम्पर है वो कुछ मतलब थोड़ा ज़्यादा ओवर डिजाइन सा देखने को लगेगा, और मतलब अलग टाइप के एक इसमें वो दिए गए हैं, इसमें अलग टाइप के एक फोग लैम्प दिए गए हैं जो कि थोड़ा सा ऑड लगता है। अब कुछ लोगों को ये अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, ये अपनी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये तो हमने सामने की तरफ बात कर ली। साइड में जो नई गाड़ी है उसमें बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम डिज़ाइन है। पीछे की तरफ हम आ जाते हैं फटाफट। सो पीछे की तरफ यदि आप देखें तो पीछे की तरफ भी एक चेंज तो बम्पर में है कि बिल्कुल एकदम मूछों सा बम्पर लगने लग गया है नई वाली टियागो का। एक जो मेज़र चेंज जो गाड़ी में हुआ है कि भाई इन लोगों ने वेरिएंट की जो बेजिंग आती थी उसे ही हटा दिया, मतलब गधे घोड़े में कोई फ़र्क नहीं है। यदि आपको अंदाज़ा लगाना है किसी को कि ये गाड़ी कौन से वेरिएंट की है, तो आपको गाड़ी के कुछ बाहर के फीचर या बाहर की चीज़ें देख के, एक्सटीरियर देख के अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी कौन से वेरिएंट की है। सो तीसरी चीज़, आपको ये एक चेंज देखने को मिल जाएगा बड़ी टियागो में। हालांकि उसकी जगह रिवर्स पार्किंग कैमरा और बहुत अच्छे अच्छे फीचर दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा क्रोम ही तो लगाना था भाई, क्या है मतलब इस चीज़ को क्यों हटाया, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। ठीक है, अब हम गाड़ी के अंदर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो जो पुरानी टियागो में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता था, पर्सनली ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी सी फील देता है। जब ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चालू होता है ना, अब देखें एक मिनट में आप लोगों को ऑन करके दिखाता हूँ, ये देखिए कितनी शानदार फील देता है। और मतलब जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है उसकी अलग ही एक मतलब बात है कि मतलब देखने में स्पोर्टी लगेगा, जो इसके कांटे मतलब एकदम उठते हैं। सो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी, और ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एज ए ऑप्शन टाटा को देना चाहिए था
कि आप चाहें तो ये वाला ऑप्शन ले लें, आप चाहें तो डिजिटल वाला ले लें। तो बाकी ये एक चीज़ हो जाती है कि आपको जो नई वाली टियागो है उसमें आपको पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, लेकिन पुरानी वाली टियागो में आपको एनालॉग टाइप भी देखने को मिल जाता था। अगली चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पुरानी वाली टियागो में वो है ये इको मोड। आपको पुरानी वाली टियागो में इको मोड देखने को मिल जाता था, जो कि कहीं ना कहीं यदि आप इसे चलाना अच्छी तरीके से जानते हैं तो आपको एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देने में हेल्प करता था, लेकिन नई वाली टियागो के किसी भी वेरिएंट में ये वाली चीज़ आपको अवेलेबल नहीं है, आपको इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो डिफ़ॉल्ट मोड है सिटी मोड जो आता है गाड़ी में, वही आपको नई वाली टियागो में देखने को मिलेगा। हालांकि कंपनी का कहना है कि हमने जो ECU है उसे काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर लिया और वो खुद सेंस कर लेगा कि आपकी गाड़ी किन कंडीशंस में चल रही है, लेकिन भाई अपनी मर्जी तो अपनी मर्जी है, जब मन पड़ा जब इको मोड ऑन करो, जब मन पड़ा जब ऑफ़ करो। सो ये चीज़ एक थोड़ी सी जो है नई टियागो में मिसिंग है, किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलती जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ले लें, चाहे आप बम्पर ले लें, चाहे आप प्रोजेक्टर हेडलैम्प ले लें, चाहे इको मोड ले लें, चाहे पीछे की जो वेरिएंट की बैजिंग है वो ले लें, ठीक है। सो मैंने ये चीज़ें आपको बता दी और कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा बोनस, यदि आपने वीडियो इतना देखा तो। ये जो पुराने वाले मतलब पुराना वाला जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आता था ना, इसकी अलग ही एक फील थी, मतलब बढ़िया चौड़ा सा अलग से डिज़ाइन निकाला था, ये हारमन का म्यूज़िक सिस्टम आता था। लेकिन अब जो टियागो में नया वाला मतलब इस टाइप का जो नॉन टच म्यूज़िक सिस्टम आया है ना, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बाहर किसी गाड़ी से कॉपी किया है। जो एक टियागो की एक अलग पहचान थी ना, वो मतलब इन लोगों ने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की है। सो ये चीज़ देख रहे हैं आप, ये क्या महान डेट क्या बता रहा है 2013, हालांकि ये वीडियो 2021 में बन रही है। सो दोस्तों ये थे कुछ चेंजेस जो कि आपको नई वाली टियागो में देखने को नहीं मिलते हैं, और पुरानी वाली टियागो में ये चीज़ें अच्छी थी। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो कि नई वाली टियागो में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होकर के आई हैं। ऐसी बात नहीं है कि नई वाली टियागो अच्छी नहीं है, नई वाली टियागो काफ़ी अच्छी गाड़ी है चलने में। सो उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा कि आपकी नई वाली जो टियागो है उसमें आपको क्या अच्छे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं जो आपको पुरानी वाली टियागो में देखने को नहीं मिलते। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, जब भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलूंगा आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।